बुलबुल ईरान का राष्ट्रीय पक्षी है। ये ज़्यादातर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। बुलबुल एक मध्यम कद का पक्षी है जो अपनी मीठी आवाज़ के लिए जाना जाता है। इसके गीतों को दिन और रात दोनों समय सुना जा सकता है, लेकिन आप इसे ज़्यादातर रात को ही गाता सुन सकते हैं। ये पक्षी 200 प्रकार की अलग-अलग धुनों में गा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नर बुलबुल ही गाते हैं। गायन का मुख्य उद्देश्य संभोग के समय मादा बुलबुल को आकर्षित करना होता है। बुलबुल का रंग भूरा, मटमैला या गंदा पीला और हरा होता है। यह अपने पतले शरीर, लंबी पूंछ और उठी हुई चोंच के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आकार में यह पक्षी 14 से 28 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। मादा बुलबुल नर बुलबुल के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। यह एक लड़ाकू स्वभाव का पक्षी है, इसलिए कई लोग इस पक्षी की आवाज़ से नहीं बल्कि उसके लड़ाकू स्वभाव की वजह से ही पालते हैं। बुलबुल पक्षी का मुख्य भोजन फल, फूल और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। इस पक्षी के पूंछ के नीचे लाल रंग का हिस्सा होता है, जिससे आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। बुलबुल पक्षी का वजन करीब 20 ग्राम के आसपास होता है। बुलबुल मृत पत्तों और रेशेदार जड़ों का इस्तेमाल करके कप के आकार का घोंसला बनाती है। इनका घोंसला वनस्पति क्षेत्रों के आसपास ही होता है। मादा बुलबुल एक बार में 5 से 6 अंडे दे सकती है। इसमें 15 से 20 दिन बाद बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। अंडे सेने के समय के दौरान नर ही मादा को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। अंडे से निकलने के बाद 10 से 12 दिन तक नन्हे चूजे घोंसले में ही रहते हैं। इस समय के दौरान इनके माता पिता ही इन्हें भोजन उपलब्ध करवाते हैं। बुलबुल के अंडे मुख्यतः पीले, जैतूनी, हरे से लेकर भूरे रंग के हो सकते हैं। मौसम की परिस्थितियों के कारण इनका रंग नीला सा भी हो सकता है। घोंसले से निकलने के बाद चूजे 3 से 5 दिन के भीतर उड़ना सीख जाते हैं और इसके बाद ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बुलबुल पक्षी का जीवन काल करीब 1 से 3 साल के आसपास होता है। चूहे, लोमड़ी, बिल्ली, छिपकली, सांप और बड़े शिकारी पक्षी बुलबुल के प्राकृतिक शत्रु होते हैं। संपूर्ण विश्व में बुलबुल की करीब 1700 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में गुलदुम बुलबुल सबसे प्रसिद्ध बुलबुल है। भारत में भी बुलबुल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गुलदुम बुलबुल और सिपाही बुलबुल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सिपाही बुलबुल की गर्दन में दोनों ओर कान के नीचे लाल निशान होते हैं, जो बलिदान की भावना का प्रतीक है। क्रांतिकारी व उर्दू शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सिपाही बुलबुल को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए अनेकों गज़लें लिखीं, जिनमें नीचे लिखी हुई कुछ काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। धन्यवाद। जय हिंद।